देश का सबसे बड़ा त्यौहार मतदान चल रहा है। राजनीति में गर्मी बहुत बढ़ी हुई है और गर्मी तो वाकई में बढ़ी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जनता का क्या हाल है। ट्रिपल ने एक मुहिम शुरू की है, मनाओ देश का सबसे बड़ा त्यौहार। आइए जानते हैं कि हमारे देश के यंगस्टर्स या फिर पूरा देश कितना अवेयर है अपने कर्तव्यों और अधिकारों को लेकर। चलिए करते हैं बात देशवासियों से कि मतदान करने जा रहे हैं या नहीं। हमारे देश में चल रहा है सबसे बड़ा त्योहार चुनाव। चुनाव में वोटिंग करना कितना जरूरी है और क्या इसका महत्व है, हम बात कर रहे हैं लोगों से बार बार लगातार। आइए बात करते हैं कुछ नए वोटर्स से। आप पहली बार वोट करने वाले हैं? जी हाँ, मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? उत्कर्ष तिवारी। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, आपने वोट किया है तो उत्कर्ष जी वोट करेंगे आप? जी बिल्कुल, इस बार मैं वोट करूंगा। या, बहुत बार इस चुनाव आप वोट कर रहे हैं या नहीं? यस। वोटिंग क्यों जरूरी है? वोटिंग हमारे देश में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रॉपर विकासशील हो और हमारे देश में डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए सही नेता को चुनना हमारा कर्तव्य है। वोट करना जरूरी है, लगे लोगों को कि अपना आने वाले जो समय में चुनाव है, जो अपने लोग भाग आ रहे हैं, अच्छे होने चाहिए। हम इस देश के यूथ हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम शासन सही लोगों को दें, जिससे हमारा देश सुचारू ढंग से काम कर सके। गरीब जितने भी लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल बेस्ट है, तो सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए वोट करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि एक वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, आपको क्या लगता है एक वोट करने से या एक वोट ना करने से क्या फर्क पड़ेगा देश? आपको लगता है कि अगर एक इंसान वोट नहीं देगा तो कुछ फर्क पड़ेगा या एक इंसान वोट देगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? एक वोट देने से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक ही वोट होता है जो लोगों को सच्चे और राह की सपोर्ट भी करता है। जैसा कि बूंद बूंद से सागर भरता है, घड़ा भरता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए तो फिर एक एक वोट से ही बहुत सारे वोट एक साथ चलेंगे और विकासशील होगा देश। अगर एक आप एक भारतीय हैं और आप वोट दे रहे हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैं तो एक सच्चा नागरिक हूँ, मैं मेरा कर्तव्य है वोट देना, वो मैं देता रहूँगा। आप लोग से भी सकती है रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट दें 19 तारीख को अर्ली मॉर्निंग। तो सुमित ने कहा कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं वोट जरूर दूँ। एक एक वोट अहम है, इसलिए आप भी वोट जरूर कीजिए। आइए ऋषि से जानते हैं कि उनका क्या सोचना है कि वोटिंग क्यों जरूरी है। हेलो ऋषि। बिल्कुल, वोट आज की डेट पे जो आज लाइट चल रहा है मतदान, मैं तो कहता हूँ कि मतदान लोगों को अवश्य करना चाहिए। जो हमारा ये आज हमको अधिकार मिला है कि हम किसको सरकार बनाएं या नहीं बनाएं, कि इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम वोट करें। सभी लोग जानते हैं कि वोटिंग का महत्व है, फिर भी वोटिंग परसेंटेज उस तरह नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। आइए शशिकांत जी से जानते हैं कि वोटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या वो वोट करने वाले हैं। शशिकांत जी, क्या आप वोट करेंगे? डेफिनेटली वोट करूँगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको, हर एक किसी को कहना चाहता हूँ कि आप वोट करें, क्योंकि आप जब एक्सक्यूज़ करते हो कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, कंट्री में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो आप तब तक एक्सक्यूज़ ना करें जब तक आप वोट ना करें। आप वोट करेंगे तब आपके पास वो बनता है कि आप ज़रूर एक्सक्यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके जा बात कर सकते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है वोटिंग, क्योंकि अपना हक चुनने का, अपना लीडर कौन है ये चुनना, ये वोटिंग से ही क्लियर होगा। आपको क्या लगता है वोटिंग क्यों ज़रूरी है? सी, दिस इज़ आर राइट, एंड एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनना हमारे हाथ में है, तो वाई नॉट हम इस वोट को इस्तेमाल करें और हम बेस्ट चूज़ करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वोट किसको करें, ऐसा ये होता है कि हम लोग वोट किसको करें। पहले क्या होता था कि लोग गांधी जी के नाम पे वोट मांगते थे और आज मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो तो आज लोगों के साथ है ही ऑलरेडी। अदरवाइज तो ये एक चांस होता है जो आपके पास 5 साल पे आता है, और हर 5 साल पे आता है, एक फेस्ट की तरह होता है और इसको एंजॉय कर। जीवन जी, आपने कभी पहले वोटिंग किया है? जी मैम, किया। आपको क्या लगता है वोटिंग क्यों ज़रूरी है? वोटिंग इसलिए जरूरी कि अपना सम्मान बढ़ेगा, देश का काम भविष्य बढ़ेगा, इसलिए अपनी वोटिंग जरूरी है। तो श्रद्धा, कैसा लग रहा है आप वोट कर पाएंगी पहली बार? हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम वोट करने वाली हूँ। एक चांस है कि खुद की एम्पावरमेंट दिखाने के लिए, जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो वोट के द्वारा हम दिखा सकते हैं। एक आम आदमी के पास वोटिंग का अधिकार होता है, जिससे वो एक वोट करके वो अपने देश का प्रधानमंत्री, अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुन सकता है। जी। फिर भी कुछ लोग वोटिंग नहीं करते, आपको क्या लगता है क्या वोटिंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं मैम, वोट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महान है कि अपन देश के लिए बहुत कुछ कर लिया, अपन ने एक वोट से बहुत कुछ हो रहा था। नहीं मैम, राइट नहीं है, अगर आप वोट दे के सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सरकार लानी है तो आप वोट देना चाहिए।
बिल्कुल सही, अगर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो सरकार पसंद है वो आपका वोट डिसाइड करेगा। तो अगर आप वोट करेंगे तो इंडिया में वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसके लिए आपने वोट किया है। तो लेकिन मतदान की बात करते हैं तो मैं चाहूँगा कि मतदान जो उसको करना है वो अवश्य करें, लेकिन चिन्ह को देखकर नहीं करें बल्कि वो किसी व्यक्ति को और प्रत्याशी को देखकर वोट। रेटिंग हमारा फर्ज है, देश के लिए बहुत लाभदायक, वोट जरूर करें देश के लिए। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि अगर आप देश में खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत करने से बेहतर है कि आप वोट करें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते तो आपको शिकायत करने का भी हक नहीं है। करें और जरूर करें, लेकिन जरूर करें, वोट जरूर करें, किसी चिन्ह को, प्रत्याशी को, जाति को देखकर वोट ना करें, वोट करें अपनी बुद्धि से करें और आदमी की क्षमता देखकर करें, क्योंकि आपको चुनना है देश का प्रधानमंत्री। तो इन्होंने कहा कि वोटिंग देश के प्रति हमारा फर्ज है जिसे हमें जरूर निभाना चाहिए, तो आप भी अपना फर्ज निभाइए और वोट जरूर कीजिए। सभी देशवासियों से निवेदन है कि हम अभी फ्रेशर्स हैं जो कि वोट कर रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि आप ट्रिपल के साथ वोट करें और हमारे देश को एक नई प्रगति की ओर बढ़ाएं। ट्रिपल के साथ अब मैं भी अपील करूंगी कि वोट जरूर कीजिए, इंडिया प्लीज वोट एंड डोंट वेस्ट योर वोट। मैं ट्रिपल के साथ जुड़ गया हूं और मैं चाहता हूं लोगों से अपील भी करता हूं कि आप लोग भी जुड़िए और वोट करें। ट्रिपल के साथ मैं भी साथ में हूं वोटिंग के लिए, आपसे भी पूरी इंडिया से मेरी अपील है कि आप भी वोट करिए और अपना अधिकार और अपनी ड्यूटीज़ को निभाइए।